लेट्स डू क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव ऑफ एक्सरसाइज फोर ई दट एज क्वॉड्रेटिक्वेशन फोर्टी फाइव इज अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ फोर एटी किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड एक ही स्पीड पे फोर एट्टी किलोमीटर ट्रेन को कवर करना था इफ द स्पीड हैज बीन एट किलोमीटर पर आर लेस देन इट वुड हैव टेकन अगर ट्रेन की स्पीड एवरेज स्पीड से आठ किलोमीटर कम हो जाती है तो इट वुड हैव टेकन थ्री आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस तो को तीन घंटे ज्यादा लगेंगे सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए 480 किलोमीटर कवर करने के लिए फाइन द यूज़ुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन तो हमें उसकी यूजुअल स्पीड निकालनी है यूनिफॉर्म स्पीड कहें यूज़ुअल स्पीड कहें या एवरेज स्पीड कहें बात एक ही है तो हम लिख लेते हैं लेट क्योंकि एवरेज स्पीड पता नहीं है ट्रेन की लेट यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन इज एक्स किलोमीटर पर आर राइट अब हमें डिस्टेंस कितना कवर करना था 480 किलोमीटर डिस्टेंस इक्वल्स टू 480 किलोमीटर और हमें क्या कह रहा है वो कि अगर उसने स्पीड एट किलोमीटर पर आर कम की तो उसको तीन घंटे ज्यादा लगे पहुंचने के लिए हमारा टाइम का फॉर्मूला कितना क्या होता है टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो देखिए कैसे बनाएंगे इक्वेशन अब देखिए वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ फोर एटी किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड हैव टेकन थ्री आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस अगर वो आठ किलोमीटर अपनी स्पीड कम कर लेता है अगर वो फोर एट्टी किलोमीटर अपनी एक्स स्पीड से जाता है और लेकिन अगर वो फोर एट्टी किलोमीटर एक्स स्पीड में से आठ किलोमीटर पर आर अपनी स्पीड कम कर लेता है तो उसको तीन घंटे यूजुअल टाइम से तीन घंटे ज्यादा लगेंगे उस डिस्टेंस पे पहुंचने के लिए स्पीड कम कर स्पीड कम करने पे उसको जो नॉर्मल स्पीड पे जा रहा था उससे ज्यादा लगेंगे तीन घंटे राइट तो अब देखते हैं अब क्या करेंगे हम एक्स की वैल्यूज एक साइड ले जाएंगे और नॉन एक्स वैल्यूज एक साइड रखेंगे तो आ गया एक्स माइनस एट अब माइनस फोर एट्टी अपॉन एक्स तो थ्री इक्वल्स टू हमने एल ले लिया एक्स इंटू एक्स माइनस एट फोर एट्टी इंटू एक्स माइनस फोर एट्टी इंटू एक्स माइनस एट तो ये आ गया थ्री इक्वल्स टू फोर एट्टी एक्स माइनस फोर एट्टी एक्स माइनस माइनस प्लस फोर एट्टी इंटू एट तो यह जीरो सिक्सटी फोर थर्टी टू एंड थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी फाइव थर्टी सिक्स थर्टी सेवेन थर्टी एट थ्री एट फोर जीरो थ्री एट फोर जीरो अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस एट तो ये कितना आ गया ये देखिए ये एक्स की वैल्यूज़ कैंसिल हो गई और इसकी मल्टीप्लीकेशन इधर जाके हो गई तो ये आ गया थ्री इन टू एक्सेस थ्री एक्स इन टू एक्स माइनस एट इक्वल्स टू थ्री एट फोर ज़ीरो ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं तो ये थ्री एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फोर एक्स और ये थ्री एट फोर ज़ीरो इधर आ गया तो माइनस का हो गया इक्ल्स टू ज़ीरो आप देखते हैं पूरी इक्वेशन थ्री से डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है ये तो हो रहा है थ्री वन जो थ्री थ्री टू जो सिक्स एंड ट्वेंटी फोर येस पूरी इक्वेशन हो रही है तो हमने पूरी इक्वेशन को थ्री से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एट ज़र ट्वेंटी फोर माइनस थ्री वन जो थ्री थ्री टू जो सिक्स एंड थ्री एट ज़र ट्वेंटी फोर जीरो इक्वल्स टू जीरो अब क्या करेंगे अब माइनस वन टू एट जीरो की एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लीकेशन तो ये आ गया अब माइनस वन टू एट ज़ीरो एक्स स्क्वायर अब इसके ऐसे दो फैक्टर्स प्लस माइनस करके माइनस एट एक्स आना चाहिए तो वन टू एट ज़ीरो के फैक्टर्स निकालते हैं टू सिक्स ज़र ट्वेल्व फोर एंड ज़ीरो अगेन टू टू थ्री ज़ा सिक्स टू टू फोर एंड ज़ीरो टू वन ज़र टू टू सिक्स ट्वेल्व एंड ज़ीरो टू एट जो सिक्सटीन एंड ज़ीरो टू इन फोर्टी टू ट्वेंटी एंड टू टेन टू फाइव अब प्लस माइनस करके माइनस एट एक्स आना चाहिए तो देखते हैं टू टू जो फोर टू जो एट एट टू जिक्सटीन सिक्सटीन टू ज थर्टी टू फाइव टू जो टेन टेन फोर फोर्टी तो फोर्टी एंड थर्टी टू फोर्टी एक्स एंड थर्टी टू एक्स ये वाला हो गया माइनस का ये वाला हो गया प्लस का तो इसको क्या लिख सकते हैं

x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो x माइनस फोर्टी और x प्लस थर्टी टू को ज़ीरो के इक्वल रखा तो x की वैल्यू देखिए x माइनस फोर्टी को ज़ीरो के इक्वल रखा तो x की वैल्यू आ गई फोर्टी और x प्लस थर्टी टू को ज़ीरो के इक्वल रखा तो x की वैल्यू आ गई माइनस थर्टी टू और स्पीड नेगेटिव नहीं होती तो हैंस यूजअल स्पीड कितनी आ गई हमारी यूजुअल स्पीड इज इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आर आ गए इस द आंसर लेज टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 54 किलोमीटर ट्रेन को ट्रैवल करना था एक स्पीड पे 54 किलोमीटर and then ट्रेवल्स a distance ऑफ 63 km किलोमीटर एंड एन एवरेज स्पीड ऑफ km किलोमीटर पर more मोर देन द फर्स्ट स्पीड और फिर उसको 64 फोर थ्री किलोमीटर ट्रैवल करना था जिसमें उसने 6 किलोमीटर पर आर की स्पीड बढ़ा दी थी अपनी यूजुअल स्पीड से इफ़ इट टेक्स थ्री आवर्स टू कंप्लीट द टोटल जर्नी वॉट इज इट्स फर्स्ट स्पीड अगर उसको तीन घंटे लगते हैं टोटल तो तो जर्नी को कम्प्लीट करने के लिए तो उसकी फर्स्ट स्पीड क्या थी तो देखिए कैसे करेंगे हमें फर्स्ट स्पीड नहीं पता है लेट फर्स्ट स्पीड कहें एवरेज स्पीड कहें बात एक ही है लेट दी एवरेज स्पीड बी एक्स किलोमीटर पर एवरेज स्पीड है उसकी तो अब उसको 54 किलोमीटर जाना था हमें डिस्टेंस पता है 54 किलोमीटर और 63 किलोमीटर राइट right? और डिस्टेंस था हमारा 54 किलोमीटर एंड 63 किलोमीटर राइट right? अब वो क्या कह रहा है 54 किलोमीटर तो वो सेम स्पीड से था लेकिन 63 किलोमीटर जाने के लिए उसने 6 किलोमीटर पर आर की स्पीड बढ़ा दी तो हमारा टाइम का फॉर्मूला होता है टाइम का फॉर्मूला होता था डिस्टेंस अपॉन स्पीड राइट तो हमारा डिस्टेंस था पहली बार में 54 किलोमीटर वो एक्स स्पीड से जा रहा था टोटल जर्नी निकालनी थी तो इसलिए प्लस 63 किलोमीटर के लिए उसने 6 किलोमीटर की स्पीड बढ़ाई और क्या कह रहा है आगे इट टेक्स थ्री आवर्स टू कंप्लीट द टोटल जर्नी टोटल जर्नी में उसको मतलब दोनों जर्नी मिला के उसको थ्री आवर्स लगे तो इक्वल्स टू थ्री हो गया राइट आप देखिए एल निकालेंगे एक्स इन टू एक्स प्लस सिक्स एक बार और समझा रही हूँ इसको फिफ्टी फोर किलोमीटर वो यूजुअल स्पीड पे गया लेकिन सिक्सटी थ्री किलोमीटर जाने के लिए उसने अपनी स्पीड छः किलोमीटर पर आर बढ़ा ली और इन दोनों को कवर करने के लिए उसे थ्री आवर्स का टाइम लगा राइट तो आप 54 की मल्टीप्लीकेशन x प्लस सिक्स में प्लस 63 की मल्टीप्लीकेशन x में इक्वल्स टू थ्री ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं तो ये आ गया 54x फोर एक्स प्लस सिक्स फोर टू कैरी 32 टू प्लस सिक्सटी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स इक्वल्स टू थ्री अब 54 प्लस सिक्सटी थ्री इज वन वन सेवन एक्स प्लस थ्री ट्वेंटी फोर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स इक्वल्स टू थ्री ये इधर चला जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी तो ये आ गया प्लस थ्री ट्वेंटी फोर इक्वल्स टू थ्री इन एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स तो ये आ गया वन वन सेवन एक्स प्लस थ्री ट्वेंटी फोर इक्वल्स टू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एटीन एक्स सब कुछ राइट हैंड साइड लेके जा रही हूँ तो यहाँ जीरो बज गया तो ये आ गया थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एटीन एक्स माइनस का हंड्रेड एंड सेवन एक्स माइनस का थ्री ट्वेंटी फोर तो ये आ गया थ्री एक्स स्क्वायर माइनस की वैल्यू ज़्यादा है तो देखिए 17 में से एट गया नाइन एंड टेन में से वन गया नाइन एक्स माइनस थ्री ट्वेंटी फोर तो अब देखिए ये वाली थ्री ट्वेंटी फोर थ्री से डिवाइड होता है कि नहीं होता है तो थ्री वन जर थ्री येस थ्री से डिवाइड होता है तो हमने पूरी इक्वेशन को थ्री से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस थर्टी थ्री एक्स माइनस थ्री वन जो थ्री ज़ीरो थ्री एट ट्वेंटी फोर इक्वल्स टू ज़ीरो अब ये आ गया माइनस वन जीरो एट एक्स स्क्वायर इसके ऐसे दो फैक्टर्स प्लस माइनस करके थर्टी थ्री बैठे तो वन ज़ीरो एट के फैक्टर्स निकाल लिए टू फाइव 10 टेन टू फोर ज़ा एट टू टू ज़ा फोर टू सेवन ज़ा फोर्टीन थ्री नाइन ज़ा ट्वेंटी सेवन एंड नाइन थ्री थ्री ज़ा नाइन तो अब क्या निकाल सकते हैं इसके देखिए थ्री थ्री ज़ा नाइन नाइन टू ज़ा एटीन एंड सिक्स ये नहीं हो सकता थ्री थ्री जन नाइन नाइन थ्री ज़ा ट्वेंटी सेवन एंड फोर ट्वेंटी सेवन एंड फोर थर्टी वन बैठ रहा है ये भी नहीं हो सकता तो देखिए थ्री थ्री ज़ नाइन नाइन फोर ज़ा थर्टी सिक्स एंड थ्री यस ये पॉसिबल है तो थर्टी सिक्स एक्स एंड थ्री एक्स माइनस होंगे तो दोनों साइड अपोजिट होंगे साइन तो ये माइनस का हुआ और ये प्लस का हो गया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस थर्टी सिक्स एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस हंड्रेड एंड एट इक्वल्स टू जीरो ये प्लस या माइनस का क्यों होता है ये वाला हमेशा मिडल वैल्यू का साइन लगता है तो एक्स कॉमन आया तो एक्स माइनस थर्टी सिक्स प्लस थ्री कॉमन आया तो क्या बज गया एक्स माइनस थर्टी सिक्स इक्वल्स टू ज़ीरो तो ब्रैकेट्स क्या आ गए एक्स माइनस थर्टी सिक्स कॉमन आया तो क्या बज गया एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू ज़ीरो बज गया देखिए यहाँ से एक्स माइनस थर्टी सिक्स कॉमन बच गया तो एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू ज़ीरो तो अब एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे एक्स माइनस थर्टी सिक्स को ज़ीरो की इक्वल रखा तो एक्स की वैल्यू आ गई थर्टी सिक्स और एक्स प्लस थ्री को ज़ीरो की इक्वल रखा तो एक्स की वैल्यू आ गई माइनस थ्री विच इज नॉट पॉसिबल राइट तो हमारी एवरेज स्पीड कितनी निकल के आई एवरेज स्पीड या फर्स्ट स्पीड इज इक्वल टू थर्टी सिक्स किलोमीटर पर आवर इज द आंसर